हेलो एंड वेलकम टू व्हाट कार इंडिया। आज हमारे पास है होंडा शाइन 100। शाइन बहुत ही पॉपुलर नाम है होंडा की तरफ से और 2006 से लेके आज तक 1,15,00,000 शाइन बिक चुकी है और उसमें ऐड करने वाली है ये 100cc होंडा शाइन। ये एक ऑल न्यू मोटरसाइकिल है, ऑल न्यू इंजन है, ऑल न्यू चैसी है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसमें आपको क्या क्या मिलता है, क्या क्या नहीं मिलता, प्राइस क्या है, बुकिंग्स कैसी है और आपको गाड़ी डिलीवर कब होगी। तो अंत तक देखना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा व्हाट कार इंडिया के चैनल को। सबसे पहली बात, जैसे मैंने कहा 100cc मोटरसाइकिल है, 99.7cc का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन मिलता है जिसकी पावर आउटपुट है 7.6 HP और 8.05 Nm टॉर्क की और ये इंजन मेटेड है एक 4-speed गियरबॉक्स को। तो ये इंजन ऑल न्यू इंजन है, आप देख सकते हैं वर्टिकल इंजन है। लगभग सारी 100cc सेगमेंट मोटरसाइकिल्स में हम देखते हैं एक स्लोपर इंजन होता है बट ये इंजन RDE नॉर्म से कंप्लाई करता है और इसी के साथ होंडा ने इंट्रोड्यूस किया है OBD2। अब आगे बढ़ते हैं इसकी चैसी पर। ऑल न्यू चैसी है, डायमंड फ्रेम है और ये सस्पेंडेड है आगे टेलीस्कोपिक फोर्क्स के और पीछे ड्यूल शॉक अब्जॉर्बर से। वैसे ये ड्यूल शॉक अब्जॉर्बर एडजस्टेबल नहीं है, ना ही ये गैस फिल्ड है, बेसिक हाइड्रोलिक सेटअप है। और अगर गाड़ी की मैं और बात करूँ, स्टाइलिंग की अगर बात करें, तो जैसे इसका नाम है शाइन, इसकी काफ़ी इंस्पिरेशन ली गई है पुरानी होंडा शाइन से, 125cc मोटरसाइकिल जो हुआ करती थी। अगर आप आगे की तरफ ध्यान दें तो आपको एक हैलोजन हेडलाइट दिखेगा और साथ ही में एक काफ़ी बड़ा काउल दिखेगा। टर्न इंडिकेटर्स हैलोजन है, LED का इस्तेमाल नहीं किया गया है। सेम विद द टेल लाइट, टेल लाइट भी इस गाड़ी की हैलोजन है, LED यूज़ नहीं किया है। तो काफ़ी कस्टमर्स को ये शायद बात ऑड लग सकती है क्योंकि 2023 में आकर फिर से हैलोजन हेडलैम्प और टेल लैम्प की तरफ जाना थोड़ा सा ऑड लगता है। वैसे इस गाड़ी में काफ़ी सारे फीचर्स नहीं हैं पर ये काफ़ी बेसिक कम्यूटर व्हीकल है और ये फोकस की गई है एक अर्बन मार्केट के लिए और Tier 2 city, Tier 3 city के लिए। इस मोटरसाइकिल की ओवरऑल ग्राउंड क्लियरेंस है 168 mm और साथ ही में आपको मिलते हैं 5-spoke अलॉय व्हील्स। ध्यान से देखिएगा, ये अलॉय व्हील्स तो है लेकिन इसमें ट्यूब टाइप टायर है, ट्यूबलेस टायर नहीं देते आपको। साथ ही में इस मोटरसाइकिल में आपको मिलेंगे ड्रम ब्रेक का ऑप्शन, आगे ड्रम ब्रेक, पीछे ड्रम ब्रेक। ये मोटरसाइकिल एक ही वेरिएंट में अवेलेबल है और इसमें डिस्क ब्रेक का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। और सो फार होंडा ने ये भी कहा है कि होंडा के ऐसे कोई प्लान्स भी नहीं है कि इसके मल्टीपल वेरिएंट्स इंट्रोड्यूस करने के। ये मोटरसाइकिल अवेलेबल है 5 color ऑप्शंस के साथ और इसके साथ आपको बेसिक वारंटी मिलेगी 3 साल की। आप एक्स्ट्रा 3 साल की वारंटी परचेस करके ओवरऑल 6 years की वारंटी ले सकते हैं मोटरसाइकिल के साथ। अभी परचेस की बात आ गई है तो मैं आपको बता दूँ, इस मोटरसाइकिल की प्राइसिंग काफ़ी इंप्रेसिव है, 64,900 rupees एक्स शोरूम मुंबई। ये मेजरली राइवल करती है हीरो की HF डीलक्स के साथ और बजाज प्लैटिना के साथ। HF डीलक्स इससे काफ़ी सस्ती है और बजाज प्लैटिना काफ़ी हद तक सिमिलर प्राइस रेंज में आ जाती है। साथ ही में हीरो स्प्लेंडर भी एक राइवल है इस मोटरसाइकिल की लेकिन उसकी प्राइसिंग हल्की सी ज़्यादा है इससे कंपेयर की जाए तो। तो ओवरऑल मैं एंड में आपको एक जल्दी से ओवरलुक दे दूँ कि इसमें आपको एक बेसिक हैंडल बार सेटअप मिलता है जो काफ़ी रिलैक्स्ड है, कंफर्टेबल है, सिंगल पीस सीट है। और अगर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एक ट्विन पॉड डिज़ाइन है, उसमें आपको सिर्फ स्पीड दिखता है, ओडोमीटर है और फ्यूल गेज है और बाकी के जो लाइट्स हैं, न्यूट्रल लाइट्स, इंजन लाइट्स, आपको कुछ फैंसी नहीं मिलता जैसे आजकल नॉर्म होते जा रहा है। इस मोटरसाइकिल की जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है, आप देख सकते हैं कि फ्यूल टैंक काफ़ी स्लीक है और इसकी कैपेसिटी लगभग 9 liters की है। वैसे होंडा ने फ्यूल एफिशिएंसी क्लेम नहीं की है बट बार बार ये कह रहे हैं कि बेस्ट इन क्लास है, बेस्ट इन सेगमेंट है, बट ये तो तभी पता चलेगा जब हम ये गाड़ी चलाएंगे। तो आप हमें कमेंट में लिखकर बताइए कि अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए गाड़ी रिव्यू करें या नहीं, तो डू लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो और ऑल्सो मेंशन कि आपको ये मोटरसाइकिल कैसी लगी, क्योंकि बेसिक जो शाइन 125cc की मोटरसाइकिल है उसकी टॉप स्पेक ऑन रोड प्राइसिंग लगभग 1,00,000 rupees के पास चली गई है। तो 6 figures की जो प्राइस है वो थोड़ी सी इंटिमिडेटिंग लग सकती है कम्यूटर बायर्स के लिए, इसीलिए इस मोटरसाइकिल का इंट्रोडक्शन किया गया है।